वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी स्टूडेंट्स, आज हम लेंगे क्लास 3 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की और हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कैसे पैसिव फॉर्म में फॉर्म करते हैं। तो अगर आपने हमारी क्लास अटेंड की होगी टेंस वाली तो आपको पता होगा स्ट्रक्चर होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है स्टूडेंट्स हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स। तो आपने देखा यहां पर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है हमारा किसका स्टूडेंट स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है, ये किसका है एक्टिव वॉइस AV। अब हम फॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, तो ये होता है स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स, ये होता हमारा पैसिव फॉर्म पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। ओके, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं आपको अच्छे से हो जाएगा। तब एग्जांपल हमने लिया, सपोज मैं अपना काम कर चुका हूं, आई हैव डन द वर्क, मैं काम कर चुका हूं, आई हैव डन द वर्क। आप स्टूडेंट देखिए क्या सेंटेंस है, आई हैव डन द वर्क, आपको देखकर पता चल चुका है ये सेंटेंस हमारा किसका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, आई हैव डन द वर्क। कौन सी वॉइस है स्टूडेंट, ये एक्टिव वॉइस, मैं वर्क कर चुका हूं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो वर्क करता है, एक्ट करता है। ओके, अब इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस। कौन सा सेंटेंस स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए आप जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम, बताइए सबसे पहले हम जो इसका ऑब्जेक्ट है ये द वर्क, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या होगा स्टूडेंट्स द वर्क। अब देखिए द वर्क को हम क्या मानेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, ऑब्वियसली सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो द वर्क हैज बीन, द वर्क हैज बीन सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस V3, यस द वर्क हैज बीन डन बाय मी, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस, द वर्क हैज बीन डन बाय मी स्टूडेंट। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट, इसका एक्टिव वॉइस का नेगेटिव, यस आई हैवंट डन द वर्क। ओके, एक्टिव वॉइस आई हैवंट डन द वर्क स्टूडेंट, इसका नेगेटिव क्या होगा द वर्क hasn't, the work hasn't been done by me, योगेश ने इसका पैसिव वॉइस, मैंने काम नहीं किया है, यहां पर काम मेरे द्वारा नहीं किया गया है। ओके, तो ये हमारा हुआ अफर्मेटिव, इसका पैसिव, नेगेटिव और इसका पैसिव। आप बताएंगे स्टूडेंट्स का इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव क्या बनेगा आप जानते हैं क्या होता है इंटरोगेटिव में स्टूडेंट, सबसे पहले क्या आएगा बताइए, इसका सेंटेंस का इंटरोगेटिव जब बनाएंगे यस और नो टाइप वाला, तो उसमें क्या आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो जब इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी स्टूडेंट तो क्या बनेगा सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा बोलिए, ये फॉर्म होगा Have I done the work?
एक्टिव वॉइस होगा स्टूडेंट्स, ये क्या मैं काम कर चुका हूं, हैव आई डन द वर्क। अब इसका एक्टिव वॉइस अगर हमारा इंटरवेटिव है तो आप जानते हैं पैसिव वॉइस भी इसका इंटरवेटिव बनेगा। तो हैज क्या बनेगा, हैज द वर्क, हैज द वर्क बी डन बाय मी, पैसिव वॉइस। क्या बनेगा स्टूडेंट इसका पैसिव वॉइस, हैज द वर्क बी डन बाय मी। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे इंटरप्रेटिव नेगेटिव, तो क्या होगा बोलिए, हैव आई नॉट, हैव आई नॉट, या एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं हैवंट, तो हैवंट यूज कर लिया हमने, हैवंट हैवंट आई डन द वर्क, क्या मैंने काम नहीं किया, एक्टिव वॉइस, हैवंट आई डन द वर्क। तो क्या बनेगा इसका पैसिव, हैजंट द वर्क, हैजंट द वर्क बी डन बाय मी, ये हो गया इसका पैसिव। स्टूडेंट समझ आया, हैजंट द वर्क बी डन बाय मी, क्या मेरे द्वारा कार्य नहीं किया गया। ओके, तो ये हुआ हमारा इसका इंटरप्रेटिव, कौन सा इंटरप्रेटिव है, यस और नो टाइप क्वेश्चन का, जिस जो की स्टार्ट होता है किससे, एलपी वर्ब से, और ये हुआ इसका नेगेटिव, इसका पैसिव वॉइस और ये इसका पैसिव वॉइस। अब बचा स्टूडेंट्स हमारा कौन सा, डब्ल्यूएस टाइप का, हम बनाएंगे डब्ल्यूएस टाइप इंटरप्रेटिव सेंटेंस। तो आप जानते हैं डब्ल्यूएस टाइप को सपोज कीजिए कि अगर ये सेंटेंस कहा जाए, आपने वर्क क्यों कंप्लीट नहीं किया है, या मैंने वर्क कंप्लीट, ये सेंटेंस आई साइन आई इसमें सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, मैंने काम, मैंने वर्क क्यों कंप्लीट क्यों नहीं किया, मैंने वर्क क्यों नहीं किया है, क्या बनेगा स्टूडेंट्स हिंदी में, मैंने वर्क क्यों नहीं किया है, मैंने वर्क क्यों नहीं किया, व्हाई, व्हाई हैव आई, मैंने वर्क क्यों किया है, ये हमारा डब्ल्यूएस टाइप का इंटरव्यू, व्हाई हैव आई डन द वर्क, व्हाई आई हैव डन द वर्क, देखिए Why have I done the work? मैंने वर्क क्यों किया है, यह है हमारा स्टूडेंट डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है, डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव है। Why have I done the work? और लास्ट सेंटेंस क्या होता है, डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव, उससे पहले हम इसका बनाएंगे क्या, पैसिव, ये तो हो गया हमारा कौन सा, एक्टिव वॉइस लिख देते हैं हम सिर्फ, ये आपको पता ही, डब्ल्यू एस टाइप अगर हमने, अगर आपने हमारी क्लास अटेंड की है टेंथ वाली, तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा हमारा सेंटेंस है, ये है हमारा एक्टिव वॉइस में, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि सारी क्लास अटेंड कीजिए आप, जो भी द बेसिक सब्जेक्ट में क्लास चल रही है इंग्लिश की या अदर सब्जेक्ट्स की, जीके की भी, वो सब अटेंड कीजिए आप। व्हाई हैव आई डन द वर्क, ये एक्टिव वॉइस हो गया। उसका पैसिव कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, पैसिव भी इसका डब्ल्यूएस टाइप इंटरप्रेटिव ही रहेगा, तो व्हाई हैज द वर्क, व्हाई हैज द वर्क डन बाय मी, ये हो गया इसका पैसिव फॉर्म। व्हाई हैज द वर्क डन बाय मी, व्हाई हैज द वर्क बीन, व्हाई हैज द वर्क, यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, been, why has the work been done by me, okay, ये हो गया इसका passive voice, why has the work been done by me। अब इसका last आता है आपका WS type का interrogative narrative, तो वो क्या होगा, why have या haven't, why haven't I done the work, एक्टिव वॉइस, व्हाई हैवंट आई डन द वर्क, मैंने काम क्यों नहीं किया है, तो क्या बनेगा पैसिव वॉइस इसका,
वो यही बनेगा जो हमारे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं सभी, ठीक है। तो आप जानते हैं फिर से वाई हैज, वाई हैजंट द वर्क, वाई हैजंट द वर्क बी, वाई हैजंट द वर्क बी डन बाय मी, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो आपने स्टूडेंट देखा ये हमारे सभी सेंटेंस बने हैं, हमारे एक सेंटेंस हमने आपको बताया किस किस तरीके से सभी सेंटेंसेस को हम बनाते हैं पैसिव फॉर्म में, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आप इसको इसकी ये इसकी बेसिक नॉलेज है, आप इस टेंस की और इससे पहले जो हमने टेंस कराए हैं उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस लीजिए विद डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तब आपको डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इससे पहले वाले सभी टेंस जो हमने कराए पैसिव फॉर्म में सभी क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लेंगे क्लास फोर में, आप जानते हैं हमने आपको बताया था क्या कि जो हमारे पैसिव वॉइस है वो प्रेजेंट टेंस में केवल तीन टेंस की बनती है, वो आज पूरी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में पास्ट सिंपल टेंस क्लास फोर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।